हाय, मेरा नाम है अश्मी सिंघई और मैं हूँ एक परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट। आई वर्क ऑन आईब्रोज एंड लिप्स। मैं लिप्स और आईब्रोज पे काम करती हूँ। देर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स दैट आई वर्क इन। मैं माइक्रो ब्लेडिंग करती हूँ, ओम्ब्रे शेडिंग करती हूँ, दैट्स फॉर आईब्रोज, एंड माइक्रो शेडिंग भी करती हूँ विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ माइक्रो ब्लेडिंग एंड ओम्ब्रे पाउडर जेल। उसके अलावा मैं डार्क लिप्स को लाइट करती हूँ, ब्राइट करती हूँ। ये दोनों ही ट्रीटमेंट्स जो हैं बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं। इन दोनों के रिजल्ट्स 2 से 3 साल तक लास्ट करते हैं। रिज़ल्ट कितना लास्ट करेगा वो आपकी उम्र पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन पे डिपेंड करता है और आपके आफ्टर केयर पे डिपेंड करता है। सो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द परमानेंट मेकअप, बट इन एनी केस 1 से 2 साल तक तो सारे ही रिजल्ट्स बहुत अच्छा चलते हैं। आई वर्क इन सलॉन्स अक्रॉस मुंबई। सो वॉट इज़ ओम्ब्रे पाउडर ब्राउज? ये ट्रीटमेंट जो है मार्केट में काफ़ी नया है, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा नया है, इंटरनेशनली भी इसे आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इट्स ओनली 2 to 3 years old इंटरनेशनली। एंड वाई इट गॉट सो पॉपुलर, इतनी जल्दी ये प्रसिद्ध इसलिए हुआ बिकॉज उसके रिजल्ट्स काफ़ी लास्टिंग हैं। माइक्रो ब्लीडिंग में जैसे बीच बीच में थोड़ी बहुत स्किन नज़र आती है, वैसा फिनिश नहीं आता है इसका। इसका फिनिश वैसे आता है जैसे आप मेकअप करने के बाद अपनी ब्राउज को फिल करते हैं पेंसिल से या जेल से, वो करने के बाद कैसा एक सॉलिड फिनिश आता है आपकी ब्राउज का, वैसा सॉलिड फिनिश आपको ओम्ब्रे पाउडर ब्राउज से मिलता है। और ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये है कि इट लास्ट्स 2 to 3 years विच इज़ मच लॉन्गर इन कंपेरिजन टू माइक्रो ब्लीडिंग। तो जहाँ 10,000 या 15,000 की माइक्रो ब्लीडिंग कराने के बाद उसको 1 साल में फिर से फुल टचअप लगता है, ओम्ब्रे शेडिंग का टचअप आपको 2 to 3 years के बाद लगता है। सो ऑलमोस्ट इक्वल कॉस्ट में आप बहुत लंबा टाइम तक जा सकते हैं, विच मेक्स इट सच अ ग्रेट वैल्यू एंड कॉस्ट इफेक्टिव। और सेकेंड पॉइंट ये है कि इन कंपेरिजन टू माइक्रो ब्लीडिंग इसमें काफ़ी कम पेन फील होता है। माइक्रो ब्लीडिंग में डायरेक्टली एक ब्लेड जो है आपकी स्किन को कट करते हुए एक कलर और पिगमेंट को इंसर्ट करती है, इसमें ब्लेड नहीं होती है, जबकि बहुत ही फाइन नीडल होती है जिसकी फीलिंग इज़ जस्ट लाइक अ थ्रेड ऑन योर स्किन। यू कैन नॉट रियली टेल दैट देर इज़ समथिंग मूविंग थ्रू योर स्किन विच इज़ वेरी सॉलिड लाइक अ ब्लेड। सो सिंस दैट नीडल इज़ सो फाइन, यू कैन नॉट फील इट एज बैडली, आप उसको उतनी उसका दर्द उतना ज़्यादा नहीं महसूस करते हैं जितना माइक्रो ब्लीडिंग में करते हैं। सो बिकॉज ऑफ द पेन थिंग एंड बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये 2 से 3 साल तक का लाइफ रहने की वजह से माइक्रो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और फिनिश भी इसका ओम्ब्रे पाउडर ब्राउज का माइक्रो ब्लीडिंग के कंपेरिजन में काफ़ी बेहतरीन है। मैं आपको कुछ बताती हूँ उसके प्रोसीजर के बारे में, कैसे होता है प्रोसेस। तो आपको पूरा दिन इस चीज़ के लिए डेडिकेट करना पड़ता है, अबाउट 5 से 6 घंटे। एंड हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी ब्राउ को क्लीन करके मैप करने की। मैप करने का मतलब है आपका एग्जिस्टिंग जो भी स्ट्रक्चर है उसमें हमें चेंजेस करने हैं सो दैट एक आइडियल ब्राउ ड्रा हो सके। आइडियल ब्राउ क्या होती है? आइडियल ब्राउ ड्रा की जाती है गोल्डन ब्यूटी रेशियोज़ की मदद से। गोल्डन ब्यूटी रेशियो मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, ज्योमेट्री के टूल्स होते हैं, एंड उन ज्योमेट्री के टूल्स से ब्राउ का हर पार्ट मेजर किया जाता है और एक परफेक्ट ब्राउ ड्रा करी जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपकी करंट ब्राउ से जो परफेक्ट ब्राउ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो, इट कुड बी वेरी क्लोज, ये आपकी नेचुरल ब्राउ से बहुत क्लोज हो सकती है। बट फिर भी थोड़े बहुत जो माइन्यूट चेंजेस हम करते हैं, जैसे थोड़ी सी थिकनेस इधर से इंक्रीज़ कर दी या थोड़ी सी ब्राउ को का गैप बढ़ा के या कम कर दिया हमेशा के लिए, तो दोज स्लाइट डिफरेंस जो होते हैं वो आपके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, एंड आई एम श्योर वो आप समझ सकते होंगे। तो टॉकिंग अबाउट द ड्राइंग प्रोसेस, वो टूल्स गोल्डन ब्यूटी रेशो के टूल्स यूज़ करके हम एक परफेक्ट ब्राउ ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर आपकी स्किन को नंप कर देते हैं। नंबिंग करी जाती है नॉट विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस, को इंजेक्शंस नहीं दिए जाते हैं आपको, बट वेरी सिंपली एक क्रीम लगा दी जाती है आपकी स्किन पे और उसको 30 से 45 मिनट तक के लिए छोड़ दिया जाता है। आप रेस्ट कर रहे होते हैं और वो क्रीम आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके आपकी स्किन को नम कर देती है।
इसके बाद नमिंग के बाद हम आते हैं पिगमेंट डिपॉजिट पे। जो पिगमेंट होता है बहुत ही हाई क्वालिटी पिगमेंट होता है, इट्स नॉट वेरी इजीली अवेलेबल इन इंडिया। हम जो पिगमेंट यूज़ करते हैं, जो मैं पिगमेंट यूज़ करती हूँ, इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम कैनेडा एंड पोलैंड, कैलिफोर्निया। एंड वो जो पिगमेंट है इट इज़ अप्रूव्ड बाय FDA, US की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज से वो पिगमेंट अप्रूव्ड है। सो इट्स नॉट एनी चाइना प्रोडक्ट, इट्स नॉट एनी थिंग चीप, इट्स अ वेरी हाई ग्रेड प्रोडक्ट विच इज़ एब्सोल्युटली सेफ फॉर योर स्किन। आपकी स्किन पे उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। और फिर धीरे धीरे उस पिगमेंट को आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने की कि दोनों साइड जो पिगमेंट है बराबर डिपॉजिट हो रहा हो, दोनों साइड एक ग्रेडेशन इफेक्ट हम लेते हैं। ग्रेडेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि टेल जो होती है ब्राउ की, वो सबसे डार्केस्ट एरिया होना चाहिए, जो सेंटर बॉडी होती है वो मीडियम डार्क होना चाहिए, और जो स्टार्टिंग होती है वो काफ़ी लाइट होती है इन कंपैरिजन टू द टेल। अगर अभी आपको वीडियो में देखने में ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, बट प्रॉबेबली आई विल पोस्ट अ पिक्चर इन विच यू कैन सी दैट द टेल इज़ डार्केस्ट एंड द बॉडी इन द सेंटर इज मीडियम एंड द बिगिनिंग इज़ वेरी लाइट। उसे ही ओम्ब्रे इफेक्ट कहते हैं, इसलिए इस प्रोसीजर का नाम ओम्ब्रे पाउडर ब्राउज कहलाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये ट्रीटमेंट एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज इनफ रिसर्च नहीं है टू से कि हाउ दिस ट्रीटमेंट विल अफेक्ट द किड, द चाइल्ड। एंड हॉर्मोन्स वैसे भी ऊपर नीचे होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड इसलिए वी वोंट एडवाइज अ प्रेगनेंट लेडी टू गेट थ्रू दिस ट्रीटमेंट, नॉट ऑल्सो फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन एज वेल। ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए आपको जब एक साल हो गया हो या 5-6 महीने हो गए हों, तभी आप ये ब्राउ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जाइए। क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आपको ये ट्रीटमेंट करवाने से पहले? ट्रीटमेंट की टोटल सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप ट्रीटमेंट के पहले के प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट का आफ्टर केयर पूरी तरीके से करिए, तभी जाके आपकी ब्राउज बहुत अच्छी आएंगी और उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होगी। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी आपको बिल्कुल पेन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई अनकम्फर्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ चीज़ें ध्यान में रखें। ऐसी कोई भी चीज़ कंज्यूम ना करें जो कि आपके खून को पतला करती है। वो क्या चीज़ें होती हैं? एक होती है कॉफ़ी और कैफ़ीन। कैफ़ीन चाय में भी होता है, तो इसलिए ट्रीटमेंट के 3 दिन पहले से आप चाय कॉफ़ी बहुत मॉडरेट कर दें। अगर ज़रूरी ही है तो ट्रीटमेंट के दिन या तो बिल्कुल भी कॉफ़ी ना लें या टी ना लें, और अगर लें तो सिर्फ आधा कप चाय लेकर आएँ, कॉफ़ी से दूर रहें। सेकेंडली, ऐसी कोई भी क्रीम्स अपने फेस पे ना लगाएं जिसमें रेटिनो या कोई भी एसिड्स पाए जाते हो। तो अपनी फेशियल क्रीम्स के कंटेंट्स पढ़ें, और अगर उनमें एसिड्स हैं तो कोशिश करके 3 दिन पहले से उनको यूज़ ना करें। बहुत ही सिंपल प्लेन मॉइस्चराइज़र लगाएं या वैसलीन लगाएं, लगाना ही है तो। एंड जितना कम बॉडी में और स्किन में एसिड रहेगा, स्पेशली अराउंड आई और ब्राउ एरिया, उतना ज़्यादा आपको कम्फर्टेबल रहेगा ट्रीटमेंट कराना। हाँ, अल्कोहल बिल्कुल कंज्यूम ना करें 3 दिन पहले से। एंड कोई भी थ्रेडिंग या एनी ट्रीटमेंट विच विल परमानेंट मेकअप, ओम्ब्रे पाउडर ब्रोज, माइक्रोब्लेडिंग या लिप शेडिंग, इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हों, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू।